तो हमजा मियां ये बताइए, ये फैसला कैसे लिया? देखिए आपके पिताजी कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं जी जी, दादी आपकी सांसद रही हैं जी, दादा सांसद रहे हैं जी, तो ये फैसला कैसे लिया? देखिए जो मैंने फैसला लिया है वो फैसला मैंने लिया है जनता के हित के लिए जी। जो ये सरकार रही है जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहे हैं जी, उनको और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर जी मैंने ये कदम उठाया है, और श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर जो पार्टी का एक अपना दल का एक मैं मानता हूँ जो बेस है वो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सरदार पटेल जी, जी की नीतियों पर चलते हुए, और यही नीतियाँ कहीं ना कहीं मेरे परिवार की भी रही हैं पहले से। तो आपकी मुलाकात हुई अनुप्रिया पटेल जी? हुई थी, तो उनसे मैं उनकी मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी जी, और उनसे मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, मुझे अपनी पार्टी में शामिल किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आशीष जी का जी, और जो भी पार्टी का फैसला होगा जी उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन ये घर पे संतुलन कैसे साधेंगे जब आपके पिताजी कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे? अगर आपने देखा आज मुलायम सिंह जी की बहू जी वो शामिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, नेताजी से आशीर्वाद भी लिया है जी, और नेताजी तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं जी, तो जब वो हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो और आपने आशीर्वाद ले लिया नावेद? मैंने जी बिल्कुल लिया, वो मेरे पिता हैं जी, और पिता रहेंगे जी, मेरी दादी जो हैं वो मेरी दादी रहेंगी, तो ये मेरे अब वो उनकी नीतियां हैं, उनकी सोच है मेरी नीतियां, और मेरी सोच मेरी विधानसभा में जो भी कमी है, जैसे हमारे यहाँ एक लालपुर का पुल था जी, तो आजम खान ने सपा सरकार में वो तोड़ दिया था क्योंकि वो हमारे परिवार का बनाया हुआ था, उस पुल से लाखों आदमी परेशान था, हमने भी धरना प्रदर्शन किए, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमने भी बात करी, हमने प्रयास किया, और आज वो कार्य संपन्न होने को जा रहा है जी। आप तो, ये बताइए कि स्वार सीट से तो आपके सामने तो अब्दुल्ला आजम होंगे, तो ये तो कांटे की टक्कर नहीं होगी? मेरा मानना है, देखिए अब्दुल्ला जब चुनाव लड़ा था जी तो उस टाइम कुछ ऐसा था कि प्रशासन का और सरकार का बहुत दबाव था प्रशासन पे, जो उस टाइम का लोकल प्रशासन था वो चुनाव लड़ा रहा था जी, और इनके जो पिताजी थे वो नगर विकास मंत्री थे, तो उन्होंने उस टाइम अपने अपनी नीति से उन्होंने स्वार और टांडा नगर पालिका को लगभग 500 करोड़ रुपए दिए थे चुनाव से लगभग 6 महीने पहले, तो ये सब प्रेशर था, जो सीओ थे उस टाइम वो एसपी से ज़्यादा पावर रखते थे, तो दुरुपयोग था सरकार का जी। अब कुछ ऐसी बात नहीं है, अब तो वो रो रहे हैं, पहले तो वो अपना पर्चा भरे हैं, उनको यही नहीं पता उनकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, कौन कब उनकी जन्म हुई है वो उन्हीं को नहीं पता है, तो लेट्स सी जब एक बार नॉमिनेशन होता है कौन पर्चा भरता है, अभी तो ये वक्त बताएगा।